हे गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज का जो वीडियो है उसको आप बहुत ध्यान से देखें और पूरा देखें, बिकॉज इट इज वेरी मच नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे पीछे जो आप इमेज देख रहे हो, आई कैन बेट यू कैन फील द सेंस ऑफ लिबरेशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट फ्रॉम दिस फेस। आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ बड़ा हासिल किया होगा इस बंदे ने, तब इसने इस फ्रीडम को, इस लिबरेशन को, इस अचीवमेंट को फील किया होगा। और कहीं ना कहीं आपको इसके पीछे का दर्द भी महसूस हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि पक्का इसको, इस अकम्प्लिशमेंट को अचीव करने के लिए न जाने कितने दर्द से गुजरना पड़ा होगा, न जाने किस किस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तो यार, इसी कहानी के ऊपर बेस्ड एक मूवी रिलीज हुई थी 1994 के अंदर, शॉशैंक रिडेम्पशन, एंड इट वॉज द बेस्ट मूवी एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, एंड इट इज हेल लॉट ऑफ इंस्पायरिंग। क्यों है ये आपको पता चलेगा जब आप इस इमेज के पीछे, इस सीन के पीछे की कहानी पूरी सुनोगे। ये जो बंदा है, ये बिल्कुल फ्लॉरिशिंग एज के अंदर होता है, बिल्कुल यंग एज नहीं कहते अपन, कि पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है पता नहीं क्या क्या अचीव करने के लिए। और इसको, इसकी वाइफ और इसके लवर, वाइफ और लवर के मर्डर के केस में 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर इसने किया होगा मर्डर और सजा सुनाई गई है तो ये इसके कर्म है, इसको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि इसको जिस क्राइम के लिए सजा सुनाई दी जाती है, वो क्राइम इसने किया ही नहीं होता। अब सोचो, आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप में से मैक्सिमम लोगों का रिएक्शन क्या होगा। आती भी है डे टू डे लाइफ में, जब हम भी किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और सबसे पहले जब हम उस प्रॉब्लम के लिए एक्सक्यूज देना चालू करते हैं तो हम यही कहते हैं कि वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। हम एस्केप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय हम अपने भाग्य को, अपने लक को, अपने फेट को कोसने के अंदर लग जाते हैं। इसके पास भी था ऐसा ऑप्शन, 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट। आप सोच के देखो कि जब ये अपनी सजा पूरी काट के निकलेगा, इसके लिए जिंदगी बदल चुकी होगी, ना सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर पाएगी, ना ये सोसाइटी को एक्सेप्ट कर पाएगा। इस सिचुएशन के सामने होने पर भी ये अपनी पॉजिटिव थॉट्स को लूज नहीं करता। बजाय अपने भाग्य को, अपने फेट को कोसने के, बजाय अपने आप को कोसने के, बजाय किसी और को ब्लेम करने के, बजाय नेगेटिव फीलिंग्स को अपने अंदर जनरेट करने के, इसके अंदर जनरेट होती है एक बहुत ही पावरफुल थॉट, जिसको हम जानते हैं होप या उम्मीद के नाम से। जब ये उस जेल के अंदर जाता है, जेल भी ऐसी जिसको पार करके, अगर मान लो ये भागने की भी कोशिश करे वहां से, तो उसको पार करके भाग के निकलना नियरली इम्पॉसिबल। अब ऐसे केस में इसके जो साथ के इनमेट्स होते हैं उस जेल के अंदर ऑलरेडी, उन सब को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि वो सब अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, सब किसी ना किसी तरीके से अपने आप को निर्दोष मानते हैं, और सब किसी ना किसी तरीके से बैठे बैठे केवल और केवल अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं, अपने फेट का रोना रोते रहते हैं। बट ये बंदा बड़ा शांत, ये बंदा केवल और केवल इस उम्मीद में, इस होप में कि हो सकता है मैं कुछ ऐसा एफर्ट करूं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो आज से 10-20 साल बाद में मैं इस जेल से बाहर निकलने के अंदर कामयाब हो जाऊं। सोचो, आप इस मोमेंट पर इस आदमी को कहोगे बेवकूफ, कि ये जो सोच रहा है, ये जो जिस चीज को अकम्प्लिश करना चाह रहा है वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये केवल और केवल फालतू की चीजें अपने दिमाग में सोच रहा है। और देखो, जब होप आपके अंदर होती है ना, तो आपको कुछ ना कुछ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इंस्पायर करती है होप। अब जब टारगेट आपके सामने बहुत बड़ा होता है, तो आपको सबसे पहले उस टारगेट के प्रति कुछ करने के लिए जो रोकने वाली चीज होती है, वो होते हैं आप खुद। आपका खुद का इनर सेल्फ आपको बोलता है कि यार ये टारगेट तो इतना बड़ा है कि इसके लिए जो मैं एफर्ट कर सकता हूं वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और केवल और केवल इसी थॉट के होने की वजह से हम एफर्ट ही नहीं लगाते। हम उम्मीद करते हैं कि यार हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए भगवान, काश कोई हमें सुपर पावर दे दे,
काश ये भी उम्मीद लगा सकता था ऐसी कि यार भगवान कभी मुझे कोई ऐसी पावर दे दे कि मैं गायब हो जाऊं और जेल के बाहर वापस से अपीयर हो जाऊं, या फिर मेरे पास कोई ऐसी सुपर पावर आ जाए कि मैं दीवार को पार करके निकल जाऊं। लेकिन ऐसा तो केवल और केवल मार्वल सिनेमा की मूवी के अंदर ही होता है, रियल वर्ल्ड के अंदर तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस कंडीशन में, जब ये इस सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ था, इस कंडीशन में ये बहुत ही स्मॉल एफर्ट कंसिस्टेंटली लगाना चालू करता है। ये किसी तरीके से एक बहुत छोटा सा हैमर, बहुत छोटी सी हथौड़ी जेल के अंदर अरेंज करवाता है अपने आप के लिए, और अपनी जो जेल है उसकी वॉल पर हल्का सा स्ट्राइक करना चालू करता है, रोज उस वॉल के अंदर छेद करने की कोशिश चालू कर देता है। आप बोलोगे सर जेल है और उसकी वॉल्स जो होती है वो तो बहुत ज्यादा मोटी होती है, ये इतना बेवकूफ आदमी है, इसको ये पता नहीं है कि इस वॉल के अंदर छेद करते करते इसको लगभग अपनी पूरी की पूरी सजा गुजर जाएगी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये इससे भी बड़ा बेवकूफ आदमी इसलिए है कि इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि अगर वॉल में इसने होल कर भी दिया, ठीक है, किसी तरीके से इसका लग अच्छा रहा, तो हो सकता है उसके आगे जो रास्ता है जेल से बाहर निकलने का वो बड़ा कठिन हो या इम्पॉसिबल हो, आगे कोई और प्रॉब्लम आ जाए कि ये इतनी मेहनत करने के बाद में भी जेल के अंदर ही पड़ा रह जाए। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं चल रही, इसके अंदर केवल और केवल होप है कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं ये प्रयास कभी ना कभी सफल जरूर होंगे। और फाइनली आप उम्मीद नहीं करोगे, मैं ये नहीं कहता कि इस मूवी के अंदर ऐसा दिखाया गया है कि कोई चमत्कार हो जाता है ऐसा, इस बंदे को पूरे के पूरे 20 साल लग जाते हैं इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। पूरे के पूरे 20 साल बाद में ये जो सीन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस सीन को आने के अंदर पूरे के पूरे 20 साल का स्ट्रगल दिखाया गया है उस मूवी के अंदर। बहुत कुछ होता है इसके साथ, मतलब इतना कुछ होता है कि मूवी के अंदर कई बार आपको ऐसा फील होता है कि इस बंदे को गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन ये बंदा शायद कोई अलग ही मेटल का बना हुआ है। अब अगर हम हमारी लाइफ को इसके पैरेलल रख के देखें, ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजें इसकी स्टोरी और हमारी स्टोरी के अंदर कॉमन पाएंगे। इसके साथ जो हुआ है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी हमें उतनी ही बड़ी लगती है। देखो, सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती है, और जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक्सक्यूज लगाने लग जाते हैं। हम में से कई लोग तो ये मान के बैठ जाते हैं कि यार ये जो सामने प्रॉब्लम है ये तो बहुत बड़ी है और मेरे लिए इसको पार पाना इम्पॉसिबल है। जैसे अगर इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, आई गेस, तो उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, पढ़ाई है, ठीक है, वो बहुत बड़ा टास्क होगा, और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि यार हमारे बस की बात नहीं है। या फिर कईयों को ऐसा लगता होगा कि यार सर हम मेहनत भी करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, बट हमारे जो एफर्ट्स हैं या तो वो बहुत कम है या इतने इनएफिशिएंट है कि हमें पता है कि हम इस टास्क को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सोचो इसके सामने भी ऐसी फीलिंग थी, पहली कि इसको जेल से पार पाना नियरली इम्पॉसिबल था, और दूसरी कि इसको लगता था कि यार मैं जो हथौड़ी से वार कर रहा हूँ, रोज हल्का हल्का सा उस दीवार के अंदर छेद करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है उस छेद करते करते दीवार के अंदर मुझको मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाए, तो आपकी और मेरी तरह ये भी रुक सकता था वहां पर। लेकिन इसने कंसिस्टेंटली छोटा छोटा एफर्ट अपने सक्सेस की डायरेक्शन में मारना चालू रखा, और इस कहानी का जो अंत हुआ है वैसा ही कुछ अंत हो सकता है अगर हम भी अपनी लाइफ के अंदर होप और कंसिस्टेंसी को इंक्लूड कर लें। यार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो बहुत छोटे हैं, हमें ऐसा लगता है कि आज जो हम कर रहे हैं इसका जो भी इसका रिजल्ट है वो पता नहीं पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, होगा भी या नहीं होगा, और इस थॉट के अंदर हम कुछ करना ही छोड़ देते हैं। अब आप कहोगे कि सर आप जो छोटे छोटे वीडियोस डाल रहे हो, आप जो रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहे हो हमें, आप जो 40 डेज के अंदर हमें पूरी की पूरी फिजिक्स रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहे हो, वो तो इतनी इनइफिशियंट चीज हमें लग रही है कि आप हमें लगता ही नहीं है कि इससे हम नीट के अंदर सक्सेस पा पाएंगे। लेकिन यार ऐसा नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज को फॉलो करोगे और इस उम्मीद को अपने अंदर जगाए रखोगे कि अगर मेरे टास्क को अचीव करने के लिए एक बहुत छोटा सा एफर्ट, भले ही वो 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, भले ही वो एक छोटा सा वीडियो हो सकता है जो सुभाष सर 25-20 मिनट का बनाते हैं, एक छोटा सा एफर्ट भी अगर मैं रोज इस डायरेक्शन के अंदर लगाऊंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, ये होप अगर आपके दिल के अंदर जगी रहेगी
तो आपको सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी मैसेज को मैं लेके आया हूं आज आपके सामने, एंड आई होप इस मैसेज को आपने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया होगा। ठीक है, तो यार सक्सेस का मिलना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन उनमें से जो सबसे प्राइम और सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं और केवल अपनी सिचुएशन का, अपने भाग्य का, अपने फेट का रोना रोते रहोगे, तो आप गारंटेड कभी किसी चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ करने के बाद में अचीव नहीं कर पाए वो अलग बात है, बट एटलीस्ट एट इन दिस सिचुएशन यू विल हैव सेटिस्फैक्शन कि आपने कुछ किया, आपने एटलीस्ट उस जर्नी को एंजॉय किया जो कि आपको सक्सेस दिला सकती है। तो यार प्लीज डोंट लूज फेथ, डोंट लूज होप, अपने दिलों के अंदर इस उम्मीद को जगाए रखो कि अभी भी हम अगर कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाते रहेंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं, मैं भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही कर रहा हूं। अगर मेरी ही बात करूं मैं, तो मैंने जो ये चीज शुरू की है, ये बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मैमथ टास्क है मेरे सामने, बहुत बड़ा टास्क है, और मैं जो कर सकता हूँ बच्चों के लिए वो तो बहुत छोटी चीज है और इतनी इनएफिशिएंट चीज है कि बच्चे देखेंगे नहीं देखेंगे, समझ में आएगा नहीं आएगा, पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। मैं इसी चीज के अंदर उलझा रहता तो शायद मैं इस चीज को कभी शुरू ही नहीं कर पाता, लेकिन आपके सामने हूँ, कंसिस्टेंट हूँ और लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ मेरे साथ साथ मेहनत करते रहेंगे। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों से पूछता हूँ, How's the Josh? Thank you.